हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो होने वाला है गार्डनिंग से रिलेटेड। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो पूरा वीडियो को वॉच करें, अन्यथा आप छोड़ के जा सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो 2024 का पहला वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये एक काफ़ी मैच्योर एक गमला में लगा हुआ पोई खड़ी है। इसको पोई पत्ता बोल सकते हैं। इसका पत्ता का सब्जी में डाल के बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट साग बनता है। तो इसमें पत्ता काफ़ी कम होने लगा था और इसके पेड़ मेरे पास दो ही है, एक और उधर गमला में है, उसको भी आपको हम दिखाएंगे। तो इसमें हम बीज होने के लिए छोड़ दिए थे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से इसका बीज काफ़ी मैच्योर हो गया है, काफ़ी एकदम पक गया है। तो इसको हम अलग गमला में लगा के दिखाएंगे और देखते हैं कि क्या ये वाकई में उगता है कि नहीं। क्योंकि जब हम लाए थे इसको, बाज़ार से लाए थे, पोई खड़े ही लाए थे, तो उसमें जड़ था, तो बस उसी को ला कर हम इसको रोप दिए थे। तो करीब करीब बहुत दिन तक चलाई, कम से कम लगता है 5 से 6 बार इसमें हम काट के इसका पत्ता खाए होंगे। और उसके बाद इसमें कनिया फेंकना बंद हो गया और जो भी नया नया इसमें कलियां फेंक रहा था, उस सब में देखिए इस प्रकार से बीज लेके उग रहा था। देखिए, हाँ देखिए, कुछ इस प्रकार से सब में नया नया पूरा बीज भर गया, इसलिए इसको छोड़ दिए ताकि, और इसमें देखिए सारा पत्ता खा गए, बस कुछ ही पत्ता छोड़े हैं ताकि बीज भी काफ़ी मैच्योर हो सके। देखिए इस प्रकार से गमला है और ये एक समझिए इसको रोपे नहीं है, बस ये भी ऐसे ही, क्योंकि इसमें जो खाद यूज करते हैं काफ़ी फल सब्जी से बना हुआ रहता है, तो उसी में शायद टमाटर का बीज था, इसलिए टमाटर भी काफ़ी अच्छा हो गया है। दो पेड़ इसको उखाड़े नहीं थे, इसमें धनिया पत्ता बुना हुआ था। देखिए, धनिया पत्ता तो काफ़ी छोटा छोटा रह गया और टमाटर काफ़ी भर गया इसमें, बहुत बड़ा बड़ा हो गया। इसमें 3 पेड़ था तो 2 पेड़ तो इसी में छोड़ दिए है और 1 पेड़ उखाड़ कर, देखिए इसमें एक बोरा मिट्टी था तो उसमें लगा दिया। अरे इतना बड़ा हो गया है कि कुछ कहने का ही नहीं। और इधर में देखिए, मेरा एक है चीकू का पेड़ जो कि फलना तो शुरू हुआ है बट काफ़ी लेट से हुआ। ये पेड़ मेरा कम से कम 2 से 3 ईयर ओल्ड है और देखिए अब इसमें 1-2 गो फल लगना शुरू हुआ। आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फल लगा हुआ है और देखिए ये एक छोटा सी भी लगा हुआ और बाकी जो पत्ता है देखिए इसमें भी लगा हुआ है। लेकिन इस तरह से बहुत सारा होता है, फूल बहुत सारा होता है, लेकिन कुछ इस प्रकार से होके फल लगने से पहले ही गिर जाता है। तो देखिए इस बार में इसको फल लगता है, बड़ा होता है कि नहीं उसको हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से इसमें देखिए यहाँ पर फूल लग रहा है और पता ना बाद में फल बनता है कि नहीं। देखिए एक फल यहाँ भी लग रहा है, अगर जैसे ही इसमें कम से कम 2 से 3 फूल भी लगा तो समझ जाइए कि इसको डायरेक्ट इसका गमला प्रमोशन हो जाएगा। बड़ा वाला जो ड्रम आता है 1200-1300 का आता है, उसमें इसको लगा देंगे। और जब तक ये 2-3 फल नहीं लग रहा है तब तक इसको मम्मी भी गमला नहीं खरीद दे रही है, बड़ा वाला क्या ही बोले। देखिए लेकिन अभी इसमें कुछ कुछ फल ज़्यादा दिख रहा है तो शायद चांस है कि इस बार 2-3 गो लग जाए। 2-3 गो भी लग गया तो बहुत हो जाएगा, बहुत खुशी हो रहा है इतना बड़ा बड़ा फल देखे, क्योंकि इतना बड़ा पहली बार 2 से 3 साल में देखे। और अभी गमला ही बहुत छोटा ही है, देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग किए थे, इस तरह से बहुत ज़्यादा कट छट किए थे तब जाके अभी कुछ कुछ देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा काटे थे, उसका वीडियो बनाए थे लेकिन अपलोड करने के पहले डिलीट कर दिए। और इधर में है एक नींबू का पेड़ जो कि ये भी नींबू काफ़ी ज़्यादा फल रहा है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फल रहा है और फूल भी आ रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा फूल तो नीचे गिर गया है, झड़ गया है। और एक और नींबू का है जिसमें अभी फूल लगना शुरू हुआ है
और अभी इसमें भी फल आना शुरू हुआ देख सकते हैं, लेकिन अभी उतना ही मिच्योर नहीं हुआ है देखिए, लेकिन फूल फल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। तो चलिए ये सब को आपको बाद में दिखाते हैं। और ये एक समय का पेड़ है और इसके ऊपर में देखिए एक गिरगिट महाराज। और ये जो पेड़ रोपने वाले हैं इसी गमला में रोपने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये है एक मेरे पास मिर्चा का पेड़, ये है हमेशा फलने करते, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रून किए थे इसीलिए इतना ज़्यादा घना हो गया, तो इसी में रोपने वाले हैं। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी इसको इस तरह से इसका जो रस है वो कर देंगे। देखिए बाप रे, हाथ भी काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाएगा मेरा शायद। अरे देखिए ये है बीज, तो इसी बीज को रोपेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं करेंगे, बस 2 से 1.5 इंच के आसपास अंदर कर देंगे। तो दोस्तों हमने पूरा बीज को गाड़ दिया है, मात्र 2 बीज बचा हुआ है, तो इसको भी कहीं कहीं गाड़ देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपको दिखाने वाले हैं जब ये पूरा बड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद का अपडेट आपको दिखाएंगे कि क्या होता है, जमता है कि नहीं। और ये रहा मेरा छत का गार्डन का ओवरव्यू पूरा, और थोड़ा सा और इधर में है, और ये देखिए थोड़ा सा और इधर में रहा, ये इसमें है धनिया पत्ता जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ ले रहा है, और इसमें तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया था तो इसको काट के खाए हैं, तो बस जो काट के जो नीचे बच गया है उसमें से फूज रहा है। और ये देखिए मूली, मूली बहुत सारा खा चुके हैं, बस कुछ कुछ जो मूली रह गया है इतना बड़ा बड़ा हो गया। और एक और जो देखिए मेरा पोई खड़ी का जो पेड़ रहा ये रहा, तो इसमें भी एक ही पेड़ लगाए थे और इसमें कुछ इस प्रकार से मूली ज़्यादा ही खराब हो गया। अब हम दिखाते हैं मूली कबाड़ के कि कितना बड़ा बड़ा मूली बैठा था। वाह देखिए, देखिए इसका पत्ता मम्मी सब के सब खा गई है, बस कुछ ही पत्ता छोड़े थे। देखिए इसमें कितना बड़ा बड़ा, और ये जो मूली है समझिए बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी फर्टिलाइजर रासायनिक फर्टिलाइजर नहीं दिया गया है, बस जो भी है मिट्टी है और गोबर खाद दे के ही बुना गया है, और इसमें ऊपर से कुछ भी खाद नहीं दिया हुआ है। देख सकते हैं कि इसका पत्ता का हालत कितना खराब हो गया। और इसी प्रकार से बहुत सारा है, देखिए आपको अभी इतना घना है कि कुछ दिखाई नहीं देता है, देखिए कुछ इस प्रकार से बहुत बड़ा बड़ा मूली बैठ गया। तो बस एक दिन के लिए एक मूली काफ़ी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को करें लाइक, एंड ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।